बच्चों, आज मैं आपको भाषा का जादू बताऊंगा। इससे आपका भाषाई ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए मेरे साथ भाषा की दुनिया में। अगड़म तू झगड़म तू, भाषा का ज्ञान बच्चों के लिए हो जा शुरू। यहाँ बच्चे अपनी अध्यापिका से पढ़ रहे हैं, अपने अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और अध्यापिका प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। बच्चों, आपने गौर किया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। क्या आपने गौर किया है कि यहाँ बच्चे अपने आप को भाषा के दो रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं? कुछ बच्चे बोलकर और कुछ लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अर्थात भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक अथवा कथित और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा तो आप समझ गए होंगे। यहाँ शिक्षिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं ना? यह भाषा का मौखिक रूप है और श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहा है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो, लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, क्या आप मातृभाषा के बारे में जानते हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। चलिए देखते हैं कि सुमित, दलजीत, अनुराग, अबरार कश्मीरी अपने अपने घरों में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि सुमित भोजपुरी, दलजीत पंजाबी, अनुराग बंगाली और अबरार उर्दू बोलता है। ये भाषाएं इनके लिए मातृभाषाएं हैं। बच्चों, हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। हिंदी मुख्यतः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि में मुख्यतः बोली जाती है और बाकी राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के तौर पर काम करती है। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बच्चों, क्या आपको पता है हिंदी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है? चक्कर खा गए ना? भाषा बोली का विकसित रूप है, या यूं कहें कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। अब हम आपको लिपि के ज्ञानी के पास ले चलते हैं। वो अपने शिष्यों को लिपि बता रहे हैं। बच्चों, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में, देवनागरी को उसकी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरुजी, तो अंग्रेजी के लिए कौन सी लिपि है? अंग्रेजी के लिए रोमन, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और देवनागरी
हिंदी भाषा की लिपि तो है ही, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब मैं आपको कुछ राज्यों, उनकी भाषा और लिपि से अवगत कराता हूं। उड़ीसा में उड़िया ओड़िया लिपि में लिखी जाती है, असम में असमिया बंगाली में लिखी जाती है, कश्मीर की कश्मीरी कश्मीरी लिपि में ही लिखी जाती है, केरल की मलयालम भाषा मलयालम लिपि में लिखी जाती है, बंगाल की बांग्ला भाषा बंगाली में लिखी जाती है, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। आप समझ गए होंगे भाषा को उच्चारित करने वाली ध्वनियों के निश्चित लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाती है। चलिए लिपि की बात तो हो गई, चलिए देखते हैं राम और मोहन अपने गुरुजी से क्या सीख रहे हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसी से भाषा का ज्ञान होता है। इसी के नियमों द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोला और लिखा जाता है, इसी से अक्षर ज्ञान होता है। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। गुरुजी, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले और शुद्ध प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए अब देख